Now, there is a good evening to everyone. Now, there is a question of whether I exist or not. This is a very simple question, whether you exist or not. क्या तुम हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. ये इसलिए बड़ी चीज़ है बिकॉज क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस होना ही, तुम्हारा होना ही एक संदेह पैदा कर रहा है. तुम इतने क्षणिक हो कि तुम्हारा होना ही एक भ्रम है. है कि नहीं? आज हो कल नहीं हो, क्या पता है. देयर इज एनी गारंटी? नो गारंटी. राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के एक प्रवचन पे जाएंगे. मिलिंद उपनाम एक प्रवचन है, उसमें बौद्ध भिक्षु से राजा मिलने जाते हैं. वो सोचते हैं मैं राजा हूँ, लेकिन बौद्ध भिक्षु उन्हें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं देता. वो कहता है राजा जी, राजा कहता है मैं आ गया हूँ. तो कहता है तुम कहाँ पर हो? राजा मिलिंद से पूछता है तुम कहाँ पर हो? तो कहता है क्या तुम ये रथ हो, क्या ये तुम शरीर हो, या क्या तुम हड्डियाँ हो, क्या तुम ये मांस हो, तुम क्या हो? राजा ढूंढ नहीं पाता, राजा के समझ में नहीं आता ये क्या कह रहा है, क्योंकि राजा के पास तो ज़्यादा दिमाग होगा नहीं. राजा धन संपत्ति से संसार चलाने वाला आदमी, उसको क्या पल्ले पड़ा होगा, मेरी समझ में जहाँ तक आता है. पर वो था बिल्कुल सही. मुझे तो धीरे धीरे शक हो रहा है कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ. अब तुम हो कि नहीं हो, ये तो एक बड़ा सवाल है, ये कमाल का सवाल है. मैं तुमसे कहूँगा, अब तुम कहोगे ये गगन पांडे तो पागल है, मैं हूँ, गगन पांडे एग्जिस्ट करता है कि नहीं. मैं तुमसे सीधे कहता हूँ गगन पांडे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो बोल रहा है ये गगन पांडे कभी बोल ही नहीं सकता था. अगर गगन पांडे रहता तो ये तो जो बोल रहा है वो बोल रहा है, और जो हो रहा है हो रहा है, क्योंकि मैं तो कभी था ही नहीं है, ना कभी हूँ, ना मैं कभी फंसने वाला हूँ, मैं तो बैठा हूँ. ये प्रक्रिया होती रहती है, लोग होते रहती हैं, चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं, संसार चल रहा है. अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा एग्जिस्टेंस है ही नहीं. मैं तुमसे कहूँगा फिर से, ये किसी तरीके से सिद्ध नहीं किया सकता कि तुम हो. ये तुम किस तरीके से प्रूव करोगे? आधार कार्ड दिखा के, पैन कार्ड दिखा के, आइडेंटिटी कार्ड दिखा के कि तुम हो. ये एक हास्यास्पद विषय है कि मैं हूं ही नहीं तब भी मेरा होना है. ये कमाल की चीज है कि नहीं? जब एक ही बैठा हुआ है और एक ही है सब, सब कुछ, कुछ है ही नहीं, यह है ही नहीं. कमाल का चीज है भाई, ऐसा कैसा भ्रम बना दिया. इट इज दिस इल्यूजन. और इल्यूजन को रिमूव कैसे किया जाए? रिमूव करने का तरीका तो गुरु बता सकते हैं भाई, कैसे रिमूव करेंगे आप. लेकिन फिलहाल मैं इतना तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है. वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है, क्योंकि अभी तक तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो. मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे वीडियो को सुन रहे हो, तुम अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर पाए हो. तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है. यू हैव टू प्रूफ योरसेल्फ दैट यू आर. वो तुम तब सिद्ध कर पाओगे जब तुम अपने आप को इम्बाइब करोगे उस ब्रह्म में. यू हैव टू इम्बाइब योरसेल्फ, यू हैव टू, वो जो बीज है अपना तुम बो दोगे उसमें, उस परम पिता में. ठीक है? जब तुम्हारा बीज उसमें बो जाएगा तो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाओगे. तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस अभी नहीं है फिलहाल, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ देता हूँ. तो मैं आई गिव यू 100% गारंटी. वो जो होती नहीं आजकल वारंटी, गारंटी मिलती रहती है 15 साल की. मैं तुम्हें लाइफ टाइम, जितने भी आगे आने वाली पीढ़ियों, सबको गारंटी देता हूँ तुम्हारी एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर तुम मेरे वीडियो को सुन रहे हो, जिस दिन तुम मेरे वीडियो को नहीं सुनोगे उस दिन तुम्हारी एग्जिस्टेंस हो जाएगी. तुम्हारी एग्जिस्टेंस वैसे भी नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ वैसे भी नहीं होगी. तुम्हारी एग्जिस्टेंस तब होगी जब तुम अपने आप को बोधोगे. When you sow your seed into that particular Brahma and your roots are thoroughly imbibed in it and you prove yourself that yes, you are there, then you will exist. And when you exist, then there is everything is you. Okay? Thank you.